स्मार्ट वॉलेट से आप स्मार्ट कॉइन में स्टेकिंग कर सकते हैं और आपके पास में जो स्मार्ट कॉइन है उससे आप बचत कर सकते हैं। क्लेम रिवार्ड में जो भी आपका ट्रांजैक्शन फीस के लिए कट रहा था स्मार्ट कॉइन, तो आप फ्रीजिंग करके स्मार्ट कॉइन को बचा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीजिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और अनफ्रीजिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि आपके पास में जो भी कॉइन है आप इस बटन पर क्लिक करेंगे स्मार्ट वॉलेट में जाने के बाद, तो जैसे ही इस पे आप देखेंगे तो आपका मेन बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा स्मार्ट कॉइन, और उसके बाद में फ्रीज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जितना फ्रीज किए हैं उसका बैलेंस फॉरजन बैलेंस शो करेगा, तो वो भी यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। आपके पास में जो भी स्मार्ट कॉइन है उसको स्वैप करने के बाद जो आपको मिला होगा स्मार्ट कॉइन, तो फ्रीजिंग कर सकते हैं और उससे आप अपना क्लेमिंग में जो आपको कट रहा था ट्रांजेक्शन में 700 कॉइन, 800 कॉइन या फिर 1000, तो उसको आप बचा सकते हैं। अनफ्रीजिंग करेंगे तो 14 दिनों के बाद में आपका जितना भी फ्रीजिंग हुआ स्मार्ट कॉइन रहेगा वो सब आपके पास में रिटर्न आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 1000 स्मार्ट कॉइन ऑलरेडी किया हूँ। यहाँ पे मैक्स करने के बाद टोटल आपको आ जाता है, यानी कि जितना भी आपका रहेगा उसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं, 14 दिनों के बाद आपके पास में आ जाएगा। तो स्मार्ट वॉलेट में सबसे बड़ा अपडेट फ्रीजिंग का आ चुका है, स्टेकिंग का आ चुका है, जो आप अपना स्मार्ट कॉइन स्टेकिंग कर सकते हैं और जितना चाहे उतना फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैक्स करेंगे तो टोटल हो जाएगा, एंड वहाँ पे 20,000 करना चाहते हैं तो 20,000 भी कर सकते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी जितना भी आपके पास में स्मार्ट कॉइन है जितना ज़्यादा रखेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, और आपका जो फ्रीजिंग है फ्रीजिंग के माध्यम से आप अपना जैसे क्लेम करेंगे तो आपको 0 फी कटेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा भी ट्रांजेक्शन फ़ी नहीं कटेगा। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये अपडेट देखने को मिल रहा है। तो फ्रीजिंग का ऑप्शन आ चुका है, अनफ्रीजिंग का ऑप्शन आ चुका है, स्मार्ट वॉलेट में आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एड्रेस को कॉपी करूंगा, मेरा मेन बैलेंस में आप देख सकते हैं। एड्रेस को कॉपी करने के बाद और इस तरीके का ऑप्शन आएगा, कॉपी एड्रेस पे जैसे बॉक्स पे क्लिक किया जाता है तो जो एड्रेस होता है आपका वो कॉपी हो जाएगा, और आपके पास में जहाँ भी स्मार्ट कॉइन है अगर मैक्सी एक्सचेंज पे है तो मैं मैक्सी एक्सचेंज को ओपन कर लिया हूँ, और मैक्सी एक्सचेंज पे आने के बाद यहाँ से जो स्मार्ट कॉइन है उसको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ करने के बाद जो स्मार्ट कॉइन है वो मेन बैलेंस में पहले जाएगा स्मार्ट वॉलेट में। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ। स्मार्ट का पेयर USDT से मिलता है, तो आप देख सकते हैं वॉलेट वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मैं वॉलेट पर क्लिक किया, वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से विड्रॉ पर आना होगा, और विड्रॉ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक करना होगा, और ऑन चैन विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास में जो भी स्मार्ट कॉइन है जितना स्टेकिंग करना चाहते हैं आप पहले एड्रेस को डालेंगे। आप एड्रेस डालने के बाद जैसे यहाँ पे एड्रेस पेस्ट होगा तो उसके बाद में ऑटोमेटिक स्मार्ट ब्लॉकचेन का नेटवर्क आ जाता है। उसके बाद में ऑल करना है तो ऑल पे क्लिक करना होगा, और ऑल नहीं करना है तो जितना आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है उतना आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो मैं यहाँ पे 20,000 स्मार्ट कॉइन ट्रांसफ़र करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि 19,800 जा रहा है, जिसमें क्या 200 ट्रांजेक्शन फ़ी कटता है मैक्सी एक्सचेंज से, 200 स्मार्ट, तो 19,800 यहाँ से विड्रॉ होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 19,800 यहाँ से स्मार्ट वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा, और उसके माध्यम से हम लोग स्टेकिंग करने वाले हैं। लाइव मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से मैक्सी एक्सचेंज से स्मार्ट कॉइन विड्रॉ भी करना है अपने स्मार्ट वॉलेट में। तो कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करना होगा, 19,800 जो स्मार्ट कॉइन है वो जाने वाला है स्मार्ट वॉलेट में। और अभी लाइव मैं आपको स्टेकिंग करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से स्टेकिंग करना है। कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ पर गेट कोड करेंगे तो OTP आएगा, वो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, मैसेज में आएगा, वो डाल देना है। उसके बाद में अगर जो ईमेल पे गेट कोड करेंगे तो ईमेल पे जाएंगे आप, तो आपके मेल में 6 डिजिट का कोड आएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। टाइम रहते आप इसको कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको कन्फर्म का बटन जो है वो ओपन हो जाएगा, और कन्फर्म करेंगे तो 100% सक्सेसफुल यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। तो मैं बैक जाता हूँ और अपने जीमेल को ओपन करता हूं, और जीमेल को ओपन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि मैक्सी एक्सचेंज पे मैं जैसे
मैक्सी एक्सचेंज का मैसेज आ चुका है, जितना भी आप विड्रॉ करेंगे वो टोटल यहाँ पे शो करेगा। 20,000 स्मार्ट कॉइन मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल शो करेगा। और यहाँ पे कोड आ चुका है 6 डिजिट का, इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो उसके बाद में कन्फर्म का बटन ऑन हो जाएगा, मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग में चला गया है, 20,000 स्मार्ट कॉइन डायरेक्टली स्मार्ट वॉलेट में मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 जो है फी लगा हुआ है, यानी मैक्सी एक्सचेंज का यूज करते हैं स्मार्ट कॉइन विड्रॉ करने में तो 200 आपको फीस देना होगा। प्रोसेसिंग जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो 100% हम लोग स्मार्ट वॉलेट को जैसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी स्मार्ट कॉइन होगा जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं उतना शो करने वाला है। तो डायरेक्टली यहाँ से आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा थोड़ा सा तो स्मार्ट ब्लॉकचेन खोल सकते हैं आप डायरेक्ट। तो जैसे ही स्मार्ट ब्लॉकचेन पे कंप्लीटेड होगा, सक्सेसफुल होगा, आपका जो स्मार्ट कॉइन है वो स्मार्ट वॉलेट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन है, 3 सेकेंड में 2000 ट्रांजेक्शन करने की कैपेसिटी रखती है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है स्मार्ट ब्लॉकचेन ओपन हो चुका है, सक्सेसफुल रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी कन्फर्म्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही ये ब्लॉक है पूरा हो जाएगा, 20 ब्लॉक पूरा हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 17 हो चुका है ब्लॉक, 18 हो गया और उसके बाद में 19 हो गया, उसके बाद में 20 हो गया। जैसे यहाँ पे ब्लॉक पूरा हो गया आप देख सकते हैं कन्फर्म हो चुका है, यानी कि 20 ब्लॉक जैसे पूरा हुआ ये जो एसेट है आपका वो चला जाएगा सीधा का सीधा स्मार्ट वॉलेट में। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन जो है काफ़ी फास्ट ट्रांजेक्शन देने की कैपेसिटी रखती है। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ जो है कौन सा एड्रेस पे कितना स्मार्ट कॉइन गया है सब यहां से ब्लॉकचेन को ओपन करके देख सकते हैं। तो कंफर्म हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है और अब यहां से मैं बैक करूंगा और बैक करने के बाद हम लोग प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ से हम लोग का कंप्लीटेड वाला ऑप्शन है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद 100% सक्सेसफुल कंप्लीटेड यहाँ पे हो चुका है। और जैसे ही कंप्लीटेड हुआ तो हम लोग का जो है वो स्मार्ट कॉइन जा चुका है सीधा का सीधा स्मार्ट वॉलेट में और वहाँ से अब हम लोग स्टेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। किस तरीके से स्टेकिंग करना है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही स्मार्ट पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरीके का, पहले ऐसा एक स्टेकिंग वाला बटन नहीं था लेकिन अभी ये स्टेकिंग वाला बटन आ चुका है। टोटल 28,008 यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉइन, पहले से 1,000 फ्रोजन है। और अब जैसे मैं क्लिक किया तो फ्रीजिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे फ्रीज पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा जितना डालना है। मैं मैक्स किया तो मेरा टोटल आ रहा है बट मैं मैक्स नहीं करूँगा, जितना आपको डालना है 20,000 डालना है 40,000 डालना है वो हिसाब से आप टाइप कर लीजिएगा जितना स्मार्ट कॉइन आपको फ्रीज करना है। तो जितना ज़्यादा फ्रीज रहेगा तो आपको 0 ट्रांजेक्शन फी कटेगा, यानी कि आपका स्मार्ट कॉइन कटने वाला नहीं है। और ये जो फ्रीजिंग है आपको 14 दिन के बाद में रिटर्न भी ले सकते हैं एनी टाइम कभी भी। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम बन चुका है स्मार्ट वॉलेट में, जो अब तक इतना बढ़िया सिस्टम देखने को नहीं मिला था। अभी तक आपका क्लेमिंग में जितना भी कटा हुआ है वो बिल्कुल भी अब कटेगा नहीं। तो 20,000 स्मार्ट कॉइन मैं टाइप कर दिया हूँ और मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आप भी एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। कंटिन्यू वाला ऑप्शन नीचे आ चुका है, जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद में ये हो जाएगा कंटिन्यू और नेक्स्ट ऑप्शन आइकॉन ओपन हो चुका है। यहां पे फ्रीज योर स्मार्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीज करने का सब चीज़ क्राइटेरिया है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका जो फंड है 14 दिन के बाद में आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि जितना आप स्टेकिंग कर रहे हैं उतना आप रिटर्न भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर अमेजिंग। तो इसी तरीके से आप एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जैसे मैं फ्रीज करूँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और आप लोगों के बीच में आइकन ओपन होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे अपना कोड डालना पड़ेगा और ये 100% सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। यू कैन सी इट नाउ हियर, जो अपना 20,000 स्मार्ट कॉइन है वो फ्रीजिंग हो चुका है, स्टेकिंग हो चुका है और अभी तक
आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपना जो स्मार्ट कॉइन है उसको फ्रीज करना है और अपने स्मार्ट कॉइन को बचा लेना है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉइन आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। अनफ्रीज का भी ऑप्शन मिल चुका है, आप देख सकते हैं, यानी कि आप कितना बार भी आप क्लेम कीजिए आपको एक रुपया भी फीस कटने वाला नहीं है, जीरो ट्रांजेक्शन, ओ माई गॉड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से मैं 1000 किया था उसका बैलेंस शो कर रहा है, अब जैसे ही 20000 मैं किया यहाँ पे 21000 शो करने वाला है दोस्तों, आप देखिएगा, बस वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ फ्रोजन बैलेंस में 21000 स्मार्ट कॉइन जैसे फ्रीज होगा। और आप कितना भी क्लेम करेंगे, कितना बार भी अनलिमिटेड क्लेम कीजिए, आपको थोड़ा सा भी स्मार्ट कॉइन कटेगा नहीं, अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं आपके पास में कोई भी पूल हो। तो दोस्तों यू कैन सी इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21000 स्मार्ट कॉइन फ्रीज कंप्लीट 100% हो चुका है और ये बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप स्टेकिंग कर सकते हैं और इसका जो अनफ्रीज है जब भी आपको निकालना होगा ये 21000 स्मार्ट कॉइन, जैसे अनफ्रीज पे क्लिक करेंगे तो 14 दिनों के बाद में आपके पास में ये रिटर्न आ जाएगा। आप बताइए कितना ज़बरदस्त सिस्टम बन चुका है आपके स्मार्ट वॉलेट में। तो इस तरीके से आप फ्रीजिंग कर सकते हैं और आपके पास में बिजनेस स्प्लिट है या फिर कोई भी स्प्लिट है, आप जितना चाहे उतना क्लेम कर सकते हैं, हर 24 घंटा में भी क्लेम कर सकते हैं, या फिर 10 दिन में कीजिए या फिर 5 दिन में कीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप अपना फ्रीजिंग का जो क्राइटेरिया है उसे 100% सक्सेसफुल कर सकते हैं। मेन बैलेंस में आपका कम से कम 5000, 6000, 7000 के ऊपर रहना चाहिए, वो रहेगा तो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे बिटकॉइन देख सकते हैं, इथेरियम का रेट भी देख सकते हैं, जो कि स्मार्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज ऐप आपको सब चीज़ फुलफिल करके देता है। मेन बैलेंस में 8008 स्मार्ट कॉइन, 21000 जो स्टेकिंग है वो स्टेकिंग में जा चुका है स्मार्ट कॉइन, और इस तरीके से आपको एनर्जी भी मिल जाता है, एनर्जी उसमें मिल जाएगा, बैंडविड्थ मिल जाएगा, ये सब चीज़ आपका उसमें से जैसे जितना बार क्लेम करेंगे तो एनर्जी कटेगा, वो एनर्जी आपका फुलफिल होना चाहिए और बाद में जब भी चाहे आप इसको अनफ्रीज कर सकते हैं और उतना स्मार्ट कॉइन आपको मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया सिस्टम बन चुका है, आपके पास में अगर 20000 स्मार्ट कॉइन है तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं और यहां से आप अपना जो क्लेमिंग है उससे स्मार्ट कॉइन को बचत कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा और इससे आप बहुत ही इजीली प्रोसेस से और कम समय में आप स्टेकिंग करने का एक प्रोसेस आपको मिल चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए दोस्त हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा भरा कमेंट भी कर दीजिए और यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट टिप के साथ, तब तक जहाँ भी हैं स्वस्थ और मस्त रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।